हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, मेरे पास काफ़ी रिक्वेस्ट आई फीफा 15 के कुछ ट्रिक्स को लेकर। सो गाइस, इस वीडियो में हम दो ट्रिक्स पर बात करेंगे। पहले ट्रिक की मदद से आप पहले ही कुछ मिनटों में गोल कर पाएंगे, फिर चाहे डिफिकल्टी वर्ल्ड क्लास हो या प्रोफेशनल हो या कुछ भी। और दूसरी ट्रिक की मदद से हम देखेंगे कि आप कैसे प्लेंटी शूट आउट में हर बार गोल कर पाएंगे। पर पहले हम देखते हैं कि ये ट्रिक्स कैसे काम करती है, तो आइए देखते हैं। तो गाइस, पहले हम देखते हैं कि हमारी पहली ट्रिक कैसे काम करती है। एक्चुअली गाइस, जब मैंने गेम खेली तो मैंने नोटिस किया कि जो बैक प्लेयर्स हैं, ये पहले 2 या 3 सेकंड तक बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करते, फिर चाहे डिफिकल्टी सेमी प्रो हो, प्रोफेशनल हो या वर्ल्ड क्लास हो। तो अगर आपका प्लेयर बहुत ज़्यादा स्पीड से इनके बीच में से शुरुआत में गुजर जाए तो ये बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करेंगे, तो आप बड़ी सारी सिटी में पहुँच कर गोल कर पाएंगे। एंड गाइस, अगर आपने पहले गेम खेली होगी तो आपको पता होगा कि वर्ल्ड क्लास में शुरुआत में गोल करना बहुत बहुत मुश्किल है, मगर इस ट्रिक की मदद से आप पहले 2 या 3 सेकंड्स में ही गोल कर पाएंगे। तो आइए ट्रिक ट्राई करते हैं। एंड गाइज, आपको ध्यान रखना कि इस ट्रिक के लिए आपका जो मेन प्लेयर है, इसकी पेस 90 प्लस होनी चाहिए। जो पेस है वो 90 प्लस होनी चाहिए, तो वो बड़ी तेज़ी से इनके बीच में से दौड़ पाएगा। सो गाइज, आप देख सकते हैं डिफ़िकल्टी है वर्ल्ड क्लास। तो गाइज, ये ट्रिक ट्राई करते हैं। आपको सिर्फ इन प्लेयर्स के बीच में से दौड़ना है और ये आपको जाने देंगे, तो ये ट्राई करते हैं। तो गाइज, आप देख सकते हैं सिर्फ खड़े हैं, ये बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं कर रहे। आप बड़ी आसानी से इन दोनों के बीच में से जाकर डी में आराम से जाके गोल कर पाएंगे, देखिए। तो गाइस, इस तरीके से आप बड़ी आसानी से जाकर गोल कर पाएंगे। तो आइए एक दो बार और ट्राई करते हैं। हम हर बार प्लेंटी शूट आउट में गोल कैसे कर पाएंगे? तो गाइस, आप देख सकते हैं अभी भी डिफिकल्टी वर्ल्ड क्लास है। तो आइए ट्राई करते हैं। देखिए गाइस, चाहे रियल फुटबॉल हो चाहे गेम हो, हर प्लेयर इस टॉप कॉर्नर में गोल मारना चाहता है, मगर ये इतना आसान नहीं है। हर बार ये टॉप कॉर्नर में नहीं मारता, ये कई बार बार मार देता है। तो अपने स्टिक की मदद से हर बार आप इस टॉप कॉर्नर में गोल मार सकेंगे, तो कोई भी गोलकीपर रोक नहीं पाएगा, तो आप हर बार प्लेंटी शूट आउट में गोल कर पाएंगे। सो गाइस, इस ट्रिक के लिए आपको 2-3 बार स्लाइड करना पड़ेगा, उसके बाद बड़ी आसानी से टॉप कॉर्नर पर इस लाइन को छोड़ दीजिएगा, तो ये टॉप कॉर्नर में गोल मारेगा और कोई भी गोलकीपर इसको रोक नहीं पाएगा। तो गाइस, इस तरीके से आप हर बार प्लेंटी शूट आउट में गोल कर पाएंगे। तो आइए एक दो बार ट्राई करते हैं। तो एक दो बार स्लाइड कीजिए, टॉप कॉर्नर में इस लाइन को छोड़ दीजिए, तो कोई भी गोलकीपर इस लाइन को रोक नहीं पाएगा। तो गाइस, इस प्रकार आप इन ट्रिक्स की मदद से हर बार गोल कर पाएंगे। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। चैनल पर आपको हर प्रकार की गेम्स के हैक्स, ट्रिक्स, रिव्यूज, न्यू गेम्स, न्यू एप्लीकेशंस मिलेंगी। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस।